दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना लहा भरने के लिए आए हैं, लहा में पानी लगाने आए हुए हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं जो कटिया उठा रहा है, ये मेरे से छोटा भाई है, ये पीली बनियान में है, और ये हमारे बच्चे हैं सभी। ये साथ साथ सभी खेत में आ गए हैं। आज हम लहा की भराई करने आए हुए हैं। अभी हम सिंगल व्हील इंजन को चलाएंगे, इसे ट्राली बोलते हैं, ये पानी इससे पानी निकालेंगे और लहा की सिंचाई करेंगे। हमारे गांव में सभी सड़कें टूटी हुई हैं, इसलिए इस ट्राली को हम अपने ट्रैक्टर से खींच करके लाए। ये हमारा ट्रैक्टर है जिससे हम ट्रॉली को खींच करके लाए। इसमें पीछे बांध करके इसे हम खेत में खींच करके लाए। इस लिफ्ट में पीछे बांध कर ट्रैक्टर से खींच कर लाए। ये हमारा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर इसी से हम ट्रॉली को खींच करके लाए खेत में, क्योंकि सभी सड़कें टूटी हुई हैं। इससे हमें हाथ से खींच कर लाने में बड़ी दिक्कत थी, नहीं खींच के ला पाते, सड़कें टूटी पड़ी। इसको पीछे बांध करके इसी से खींच के लेके आए खेत में। अभी हमारे बड़े भाई और हमसे छोटा भाई ये ट्राली को कस रहे हैं बोरिंग पर, इससे हम पानी निकालेंगे। ये खाद की बोरी रखी हुई है, इसमें यूरिया खाद है, इसको हम पानी में डालेंगे। इसका घोरा अपने लहा में लगाए। ये है हमारे लहा का खेत, ये है हमारे लहा का खेत जिसकी हम सिंचाई करने के लिए आए हैं। ये दिख रहा है पीला पीला फूला हुआ खड़ा है, ये हमारा लहा का खेत है, इसी की हम सिंचाई करने के लिए आए हुए हैं। और ये बच्चे भी हमारे साथ में आए हैं, ये है आरव आर्मी अर्नव साक और अंकुल। अंकुल के मुंह के दो दांत टूट गए हैं, काफी दिन हो गए उखड़े हुए, ये दांत अभी तक नहीं जमे हैं। देखो, दिखाना अंकुल दांत, दिखाना अंकुल दांत, दिखाओ भाई, ऐसे करके दिखा दे, देखो अंकल अभी तक नहीं जमे अंकुल के दांत। ये है हमारा लहा जिसकी हम भराई करने के लिए आए हैं। ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं, अर्नव और अंकुल मस्ती कर रहे हैं, मस्ती। ये है हमारा लहा जिसकी हम सिंचाई करने आए हैं। ये पीला पीला दिख रहा, ये पीला पीला खेत जो है हमारे लहा का खेत है, लहा खड़ा हुआ है। ये बड़ा बड़ा पीला, ये हमारा लहा है जिसकी सिंचाई करने के लिए अभी हम आए हुए हैं खेत में। ये है हमारे लहा का खेत। ये है लहा का खेत हमारा, कर देंगे बंदा, काफी अच्छा लगता है पीला पीला सब। ये सभी और वो है ट्राली, वो देखो पानी निकल रहा है, हमारे भाइयों ने उसे स्टार्ट कर दिया है, पानी निकल रहा है। वो दिख रही है, लहा दिख रही है। और ये अर्नब भी आ गए खेत के अंदर, तो इंजन हमारा चालू हो चुका है, पानी आने वाला, अब इंजन हमारा चल रहा है, हाँ पानी हमारा निकलने लगा है, वो पानी आ रहा है धीरे धीरे, वो दिख रहा है, हाँ इंजन हमारा स्टार्ट हो चुका है, पानी निकल रहा है, अब
धीमे धीमे आ रहा है। अब ये पानी आ चुका है खेत में, खेत की तरफ बढ़ रहा है। एक फेटा हमने भी बंद किया था, हाँप गया मैं। भाई फावड़ा चला रहे हैं, बच्चे थोड़ी थोड़ी खाद डाल रहे हैं। अब पानी खेत की तरफ बढ़ रहा है। हाँ ये बच्चे खाद डाल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी डालो, थोड़ी डालो डालो, ऐसे डालते रहो, थोड़ी थोड़ी डालते रहो। ये डाल रहे हैं आज। उधर भी देखें, ट्राली चल रही है, वो पानी आ रहा है, वो हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। ये है हमारी सरसों, ऊपर की तरफ से भराई हो रही है। भाई पानी लगा रहे हैं फावड़ा लेके, और बच्चे खाद डाल रहे हैं। वो देखें बच्चे बैठे हैं साइड में किनारे से, खाद डाल रहे हैं, और भाई फावड़ा से क्यारियों के जो अंदर का श्राद पानी चलने वाला फेंटे उन्हें बंद कर रहे हैं। ये सरसों हमारी सभी फूल चुकी है, इसमें ये लास्ट पानी है। बस इस पानी के बाद अब दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, और ये इसी पानी में तैयार हो जाएगी, पककर ये फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। अब इसमें दोबारा पानी नहीं लगाना पड़ेगा। ये दूसरी बार मैं इसमें पानी लगा रहा हूँ। सरसों की खेती में पानी कम ही लगाना पड़ता है, इसमें दोबारा पानी लगा रहा हूँ दूसरी बार। ये दूसरा पानी है, बस दो ही पानी में ये पककर तैयार हो जाएगी। मैं आपको नीचे तक दिखाऊंगा अपना खेत। अभी हम आपको ऊपर दिखा के लाए थे, ऊपर से भराई हो रही है। अब हम खेत के नीचे आ चुके हैं, ये नीचे वाले सिरे पर आ चुके हैं। ऊपर की तरफ से भाई हमारे भराई करके ला रहे हैं। ये हमारा रहा नीचे की तरफ से, देखें अभी मैंने आपको ऊपर की तरफ से दिखाया था खेत, नीचे की तरफ से देखें। और इसके नीचे ये गेहूं है, इसमें इनकी भी आज सिंचाई सुबह हुई थी, गेहूं है। और इसके नीचे तालाब है, जब अधिक बारिश होती है इस खेत में पानी भरा रहता है, फिर यहाँ बुवाई नहीं हो पाती है, फसल नहीं बो पाते हैं, उसमें हम पड़ा रहता है। और इस कई वर्षों से बारिश कम हो रही है, इस वजह से इस खेत में गेहूं हो जाते हैं इस नीचे के हिस्से में, यानी ये नीचे वाला हिस्सा हमेशा पड़ा रहता है, इसमें कभी कुछ नहीं होता है। अब इसमें बारिश ना होने के कारण ये खेत भी इसमें फसल की रुपाई हो जाती है इस खेत में। ये हमारा लहा है, इस बार हमने इसकी नरवाई नहीं कर पाई थी, ठीक से देखभाल नहीं कर पाई थी। बो दिया है, उसके बाद एक बार समय निकाल के पानी लगा दिया था, उसके बाद इसने कुछ भी नहीं किया है, ज़्यादा इसकी देख देख नहीं हो पाई है। पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम पैदावार रहेगी, ये हमें भी लगता है पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इसमें कम पैदावार रहेगी, क्यों इसकी हमने ठीक से देखभाल नहीं कर पाए हैं इसकी। हम पिछली बार इसमें हमने नराई गुड़ाई इसकी बढ़िया करके कर दी थी, देख देख भी ठीक हुई थी। वैसे इसमें हम 4-5 साल से कंटिन्यूस लगातार ही लहा करते आए हैं, कभी भी इसमें लहा 3 कुंटल बीघा की पैदावार से कम नहीं हुआ है। 3 कुंटल बीघा की पैदावार दी है हमेशा इस खेत में लहा में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें जो पिछले वर्षों में पैदावार होती रही है वैसी होगी, इस बार कम पैदावार होने की उम्मीद है। लेकिन लहा फिर भी ठीक है, लेकिन अगली वर्षों की अपेक्षा
हमें ऐसा लगता है इसकी हमने कम रेख देख पा देख देख कर पाई है तो कम पैदावार रहेगी, नहीं तो किसी भी वर्ष 3 क्विंटल बीघा से नीचे की पैदावार नहीं हुई है, इससे नीचे पैदावार कभी नहीं हुई है इसमें। इसकी दर 3 क्विंटल 3.25 क्विंटल बीघा की रही है। और ये देखें ऊपर हमारी वो ट्राली चल रही है, अब मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। वैसे जो हमारे दोस्त किसान लोग हैं जो खेती किसानी भी करते हैं उनके लिए बताऊँ, ये सरसों की खेती जो है बहुत ही कम लागत में हो जाती है, बहुत ही कम लागत में हो जाती है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है और इसे हम ज़्यादा जगह में कम लागत में पैदावार कर सकते हैं, इसकी फसल की रुपाई कर सकते, पैदावार कर सकते हैं इसकी हम। इसके लिए हमें ज़्यादा लोगों की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे हमारे गांव में तंबाकू भी होती है, तंबाकू प्रमुख खेती है, लेकिन तंबाकू में ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए हमें तब हो पाती है। ठीक है भाई, आगे फिर दिखाऊंगा आपको। अब शाम होने जा रही है, अब बच्चे मस्ती में लगे हुए हैं, पानी अभी चल रहा है और मुझे अब खाद डालने पे लगा दिया गया है, मैं अब खाद डाल रहा हूँ। अब मुझे बच्चों ने खाद डालने पर लगा दिया है। मैं खाद डाल रहा हूँ और ये पानी है जो चल रहा है। इस बार हमने ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाई, इसलिए उम्मीद है पैदावार हर साल की अपेक्षा कम रहेगी। वैसे हमारे गांव में प्रमुख खेती तंबाकू की है, पीछे ये तंबाकू बड़ी हुई है, प्रमुख खेती तंबाकू है, लेकिन तंबाकू में इतना ज़्यादा काम होता है वो और किसी फसल में नहीं करना पड़ता है। इसकी खेत में रुपाई करने से लेके जब तक इसकी बिक्री नहीं होती है तब तक तंबाकू में लगे रहो, इसमें काम चलता ही रहता है, इसलिए हम तंबाकू नहीं करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, सभी लोग बिजी हैं। बड़े भाई ऑटो पार्ट्स की दुकान करे हुए हैं और हम सब जो हम सबसे छोटा भाई हमारा पवन वो हॉस्पिटल में रहता है, मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल में चला जाता है, और जो हमसे छोटा है जो वो ट्रैक्टर चलाता रहता है, ट्रैक्टर का ही काम इतना बना रहता है कि समय नहीं मिल पाता है कि खेती बाड़ी करें, तो हमारे पास समय कम है, इसलिए हम अपनी कम लागत और कम काम वाली फसल को करते हैं। सरसों जो है ये कम लागत में कम समय में तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। और तंबाकू के बारे में बताऊं आपको, तंबाकू जब से खेत में गाड़ते हैं इसे की रुपाई करने के बाद इसमें 2 बार नरवाई करनी पड़ती है, पहले तो ये रुपाई के बाद जब ही इसमें ज़मीन थोड़ी
सूखी नज़र आने लगे, जिससे कि नरवाई करें और उसकी मिट्टी बखरने लगे, तब इसकी नरवाई करते हैं। इसके बाद ये थोड़ी बढ़ जाती है, पानी आने लगता है, फिर बढ़ जाती, पत्ते बढ़ जाते हैं, तो इसमें जो पुराने पत्ते इसमें पौध में लगे हुए हैं तंबाकू में, उन पत्तों को तोड़ दिया जाता है, उनका तोड़ करते हैं और जो नए पत्ते निकलते हैं वो बढ़ते हैं, जिसमें पुनः नरवाई करनी पड़ती है। इसके बाद ये और बढ़ जाती है तो हर पत्ते के पास इसमें कन्हैया निकलती है, एक छोटी सी कन्हैया टहनी निकलती है, उन कन्हैया को तोड़ा जाता है। फिर ये जब बढ़ जाती है 10-12 पत्ते 15 पत्ते, जैसे ही खेत के अनुसार फसल रुकी हुई है अच्छी है तो 15 पत्ते तक ले लेते हैं, उन्हीं 10-12 पत्ते लेते हैं, 10-11-12 पत्ते लेकर के उनमें खोंट कर देते हैं, ऊपर से उसके पेड़ को खोंट देते, तोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर उसमें कन्हैया तोड़नी पड़ती है, फिर कन्हैया उगती है, कन्हैया तोड़नी पड़ती है, इसलिए उसमें काफ़ी काम रहता है। उसके बाद फिर तंबाकू में पानी भी 10-12 लगते हैं, हर पानी पर खाद लगानी पड़ती है, तो उसकी लागत ज़्यादा रहती है, काम भी ज़्यादा रहता है। फिर उसमें काटने के बाद खेत में लौट पोत बार बार उसको पलटना, और जब सूख जाए तो उसको छोटे छोटे पीस कड़ियाँ में बांधना, बांधने के बाद फिर उसमें लौट पोट, जब तक उसमें कलर नहीं आता है उसमें लौट पलट बनी रहती है, और जब तक उसकी बिक्री नहीं होती लौट पोट हम करते रहते हैं। तंबाकू में बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए हम सरसों करते हैं, सरसों में इतना ज़्यादा काम नहीं है, कम समय में तैयार हो जाती है, ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है, और अपने खाने के लिए सरसों है, गेहूँ है, इनको हम कर लेते हैं, जो अपने खेत का ही खाते हैं, मार्केट से हमें नहीं देना पड़ता है, इतना समय तो हम निकाल ही लेते हैं, जो अपना खेत का ही खाते हैं, इसीलिए हम करते रहते हैं। ये बच्चे भी बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत परेशान करते हैं बच्चे, यही एक लाइफ होती है, ये सुकून की लाइफ होती है, बिना टेंशन के। कहना चाहता हूँ जो भाई लोग हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो वो भी अपने खाने के लिए थोड़ा समय निकालें, और गेहूँ है, सरसों है, ये कम लागत में तैयार हो जाती हैं, कम लोगों की समस्या है तो वो उगा लिया कर, मतलब उगा लिया कर।